नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24x7 हिंदुस्तान की आवाज। लाइव टीवी न्यूज की खास पेशकश साक्षात्कार में मैं विकास दीक्षित पीलीभीत से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे हेमराज वर्मा मौजूद हैं। आइए हेमराज वर्मा से करते हैं कुछ लोकसभा चुनाव और पीलीभीत की जनता से जुड़े कुछ मुद्दों पर खास बातचीत। हेमराज जी, लाइव टीवी न्यूज की खास पेशकश साक्षात्कार में मैं विकास दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हेमराज वर्मा जी, आप सगा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे, क्या कारण रहे कि आजादी के 71 वर्षों बाद भी विकास के नक्शे पर पीलीभीत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता? देखिए, पीलीभीत जिले की जहां मैं बात करूं तो पीलीभीत जिला हमारा दुनिया में, मैं अपने जिले को बहुत बेहतर जिला समझता हूँ। कुदरत ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जिला राजनीति को लेके विकास के दौर में हमारा पीछे पहुंच गया। ऐसा नहीं कि पीलीभीत के लोगों ने नेता नहीं चुने या बड़े नेताओं को यहाँ पर मौका नहीं दिया। पीलीभीत के जिले के लोगों ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर मौका दिया, और जो पिछले 30 साल से तो यहाँ लगातार जमे हुए भी हैं। लेकिन देखा जाए तो जो उम्मीदें पीलीभीत के लिए थी उनसे, कि उनके आने से पीलीभीत हमारा आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा, हम पीलीभीत जनपद ये बन जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन पीलीभीत जनपद हमारा पिछड़ गया और नेता हर बार यहाँ से लाखों वोटों से जीत के जाते रहे, लेकिन पीलीभीत हमारा उपेक्षित रहा और पीछे चला गया। आगामी लोकसभा चुनाव में पीलीभीत लोकसभा का क्या मुद्दा रहेगा खास? देखिए, पीलीभीत काफी पिछड़ा हुआ जिला है और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा पीलीभीत के लिए इस लोकसभा चुनाव का। जो 30 सालों में पीलीभीत जिला पीछे पहुंच गया है, और हम लोग भी गवर्नमेंट में थे, 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जो काम हम लोगों ने कर दिए और बहुत तेजी से हम लोगों ने डेवलपमेंट कराने का काम किया, बहुत सारी चीजों पे हमने काम किया, बहुत सारे काम आज भी, कुछ काम अधूरे भी अभी रह गए हैं, उन पर काम होना बाकी है। तो विकास ही, मेरे ख्याल से तो विकास ही मुद्दा होगा, और पीलीभीत की जनता जिस तरह से आज आजादी के 71 सालों में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये दर्द है, जनता के मन में ये बात है कि हम जब पड़ोस के सारे जिले आगे बढ़ गए तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ गए। तो इन सारी चीजों को जनता के मन में ये प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव में यही प्रश्न उन नेताओं से होगा जो लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जरूर ये प्रश्न जनता का उनके सामने होगा। वर्मा जी, पटरियां तो हैं मगर ट्रेनें नहीं, रोड तो हैं मगर गड्ढे तो हैं मगर रोड नहीं, क्या कारण रहा कि बड़ी रेल लाइन पड़ने के बावजूद पीलीभीत से अगर किसी व्यक्ति को बाहर लंबी दूरी का सफर करना है तो उसे पहले बरेली जाना पड़ता है, क्या कारण है? देखिए, पीलीभीत जहां यातायात के संसाधनों की बात है, तो पीलीभीत जब पूरे देश में बड़ी रेल लाइन बन गई, तब जब कहीं काम नहीं बचा तब पीलीभीत में काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ तो यहाँ के सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया कि हमने ये करा दिया वो करा दिया। तो यही काम, हाँ, अगर ये 20-25 साल पहले हो गया होता तो निश्चित तौर पर वो उनकी तारीफ हम भी करते, लेकिन जो काम पूरे देश में जब हो गया, आज पीलीभीत में शुरू हुआ, तो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। बड़ी रेल लाइन आज यहाँ लोगों को दिल्ली जाना पड़े या लखनऊ जाना पड़े तो लोगों के सामने वही दिक्कतें आज भी हैं, और बड़ी रेल लाइन का काम शुरू होने के बाद भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और बसों की भी हालत ठीक नहीं है, और जो हाईवे है, नेशनल हाईवे,
स्टेट हाईवे तो हम लोगों ने ठीक करा दिए, लेकिन नेशनल हाईवे की हालत बहुत ही खराब है जो पिछले दसियों साल से बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जनता के सामने है, और आज दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, तो जनता के सामने बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं, लेकिन नेता लोग अपने पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं, हकीकत कुछ और है। बरमा जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हमारे पीलीभीत के बच्चों को अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करनी होती है तो अन्य दूसरे शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पीलीभीत में कुछ विशेष नहीं हुआ। देखिए, शिक्षा हर समाज के लिए जरूरी है, और पीलीभीत जिले में 80% से ऊपर लोग यहाँ किसान हैं, और एक खेती किसानी वाला जिला है। सबसे बड़ी बात तो पीलीभीत जिले के लिए एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की बहुत पहले से जरूरत है, जो अभी तक नहीं हो पाया, और डिग्री कॉलेज तमाम सारे उच्च शिक्षा के बहुत सारे कॉलेजों की जरूरत है, वो अभी तक नहीं हो पाए। हालांकि हमने प्रयास किया था, हमने 100 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए हमने आरक्षित करा के कैबिनेट से मंजूर कराया, लेकिन चूंकि अब सरकार नहीं रही तो वो काम कहीं ना कहीं पिछड़ गया। लेकिन अब देखा जाए तो पीलीभीत के लिए ना तो अभी तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल पाया, ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल पाया, ना ही एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय मिल पाया। तो इन चीज़ों की जरूरत थी हमारे पीलीभीत के लिए, तो अगर ये चीज़ें होती तो निश्चित तौर पर हमारे पीलीभीत के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते और तरक्की के रास्ते पर हमारा पीलीभीत जनपद बराबरी कर पाता दूसरे जिलों की। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो इन चीजों में बहुत पीछे हैं। वर्मा जी, पीलीभीत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े वन, जमीन, तराई इलाका होने के बावजूद भी पीलीभीत में कुछ विशेष नहीं हो पाया, और यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि पीलीभीत दिन ब दिन विकास के मामले में पीछे चलता चला जा रहा है। निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पीलीभीत जिले में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। प्रकृति ने हमें जो दिया है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में पीलीभीत जैसा जनपद कहीं नहीं मिलेगा आपको। पीलीभीत जनपद जैसी जमीनें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। पीलीभीत जैसा वाटर लेवल जहां 10 फीट के अंदर पानी निकल आए, ऐसा वाटर लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जल के संसाधन आपको नहरें, नदियां इतने नहीं मिलेंगे। पीलीभीत में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो आधे उत्तर प्रदेश को पानी देता है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का 20% जंगल अकेले पीलीभीत में है, जो कि इमारती लकड़ी का वन है। तो ये संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारा पीलीभीत पिछड़ गया। और जहां तक इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात हो, तो इन पर बचाने के लिए हम लोगों ने काम किया। हमने पीलीभीत जनपद के जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित कराने का काम किया, और हमने फंड उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम काफी किया। हमने पैसा मांगा भारत सरकार से, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने पैसा हम लोगों को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं काम अधूरा रह गया। अब आज तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में, यूपी में, हर जगह सरकार है, तो चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन जो संसाधन है उनको ही बचाने के लिए कुछ नहीं हो पाया, और उस पर काम करने की जरूरत है। और कहने के तो यहाँ पशु प्रेमी, वन प्रेमी यहाँ के सांसद हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें वन से, पशुओं से प्रेम नहीं है और इंसानों से प्रेम नहीं है। ये बात तो पहले भी साबित हो चुकी है। अगर इंसानों से प्रेम होता तो निश्चित तौर पर पीलीभीत के इंसानों के लिए कुछ बेहतर किया जाता। तो कहीं पर कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, दावे बहुत हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन सारी चीजों को पे काम होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। वर्मा जी, आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सपा और बसपा का गठबंधन होता है या सपा अकेले लड़ती है, आपका नाम कई बार सामने आया है सांसद प्रत्याशी के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीलीभीत की जनता, जहां तक लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो पीलीभीत की जनता पहले से ही मन बनाए हुए है कि पीलीभीत में हमें स्थानीय सांसद चाहिए, काम करने वाला सांसद चाहिए, सम्मान देने वाला सांसद चाहिए, सबकी बात सुनने वाला सांसद चाहिए, विकास कराने वाला सांसद चाहिए, हर समय पीलीभीत में उपलब्ध रहने वाला सांसद चाहिए।
तो ये जनता के मन में पहले से ही ये बातें थी, जनता ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अब तक इस तरह का जनता को नहीं मिल पाया कि जिस पर जनता भरोसा कर पाए। मैं ये समझता हूं कि आज जनता, ये जनता की मांग है कि पीलीभीत में काम करने वाला एक अच्छी छवि का हमें प्रत्याशी मिले। और अगर जहां तक मेरी बात है तो हम तो हमेशा जनता के लिए काम करते ही रहते हैं, अगर पार्टी की तरफ से अगर मौका मिलता है, पार्टी अगर लोकसभा कैंडिडेट बनाती है, तो निश्चित तौर पे इस बार हम लोग लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। और इस बार जनता पूरा मन बनाए हुए है कि इस बार बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाना है और पीलीभीत में अपना सांसद बनाना है जो पीलीभीत के दुख दर्द को समझे, पीलीभीत की समस्याओं से अवगत हो और पीलीभीत के लिए काम करे और भरोसेमंद हो, क्योंकि स्थानीय भी होना और भरोसेमंद होना एक दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग भरोसा कर सके। मुझे खुशी है कि आज समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश हमारे इस पीलीभीत जनपद की जनता भरोसा कर रही है और प्रदेश की जनता भी भरोसा कर रही है। पीलीभीत में लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी का सांसद जीते, तो इस बार निश्चित तौर पर पीलीभीत से समाजवादी का सांसद जीतेगा और इन बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता बिल्कुल। वर्मा जी, आप विधायक रहे, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए और क्या क्या कार्य लोकसभा प्रत्याशी होने के बाद, लोकसभा जीतने के बाद भी आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे पीलीभीत की जनता के लिए? देखिए, मुझे 2012 में विधायक बनने का मौका मिला समाजवादी पार्टी से, और लास्ट के 1.5 साल में राज्य मंत्री भी बनने का मौका मिला। तो पीलीभीत के लिए हम जैसे लोग नए विधायक थे और काम करने का हमने काफ़ी प्रयास किया। 450 करोड़ से ऊपर की तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम किया, तमाम सारे पुल, तमाम सारे गांव पक्के, बहुत कई डिग्री कॉलेज, आपका आईटीआई कॉलेज और आपका अस्पताल, तमाम सारे पुल, तमाम सारा काम कराने का हमने प्रयास किया। और निश्चित तौर पे काम आज दिखाई देता है हम लोगों को, कि आज हमें खुशी महसूस होती है कि समाजवादियों ने, हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, आज अभी 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को होने जा रहे हैं, 4.5 साल केंद्र की सरकार को हो गए, अभी भी पीलीभीत जिले में एक भी कोई बड़ा काम दिखाई नहीं देता है, जबकि हम लोग शुरुआत के 1-2 सालों में ही बहुत काफ़ी स्पीड पकड़ चुके थे, काफ़ी काम हम लोग कर चुके थे। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट, आपका सड़कें, आपका पुल बनाना, ये सारे काम तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ पीलीभीत जिला हमारा, रोजगार के संसाधन हमारे पीलीभीत जिले में नहीं है, बहुत कम है रोजगार के संसाधन। और पीलीभीत में रोजगार के संसाधन बढ़े, इस पर भी हमने आज तक देखा जाए तो पीलीभीत के नेताओं ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पीलीभीत जिले में जहाँ 1450 एकड़ जमीन हमारे यहाँ UPSIDC को, हमने उसमें से 1250 एकड़ जमीन UPSIDC को हमने हैंडओवर कराने का काम किया। UPSIDC को हमने 1250 एकड़ जमीन औद्योगिक हब बनाने के लिए हैंडओवर कराई और कैबिनेट से मंजूर कराया। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पर उद्योग अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पे पीलीभीत में इतने रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर रोजगार के अवसर उन्हें मिल सकते हैं। ऐसे ही पीलीभीत का जंगल टाइगर रिजर्व घोषित हुआ समाजवादी की सरकार में, उसमें हम लोगों का काफ़ी प्रयास रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि टाइगर रिजर्व और ये औद्योगिक हब, इन दोनों पर जब काम बेहतर तरीके से होगा तो आने वाले समय में रोजगार के इतने संसाधन होंगे इस पीलीभीत में कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे, पीलीभीत जिला हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी जनपद है और यहाँ के बच्चे कृषि में आगे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें BSc AG करनी हो, MSc AG करना हो तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हमारी ये कोशिश थी कि उसके लिए यहाँ पर जमीन उपलब्ध हो और हम उसमें कामयाब भी हुए। हमने भरा पचपेड़ा में 100 एकड़ जमीन कैबिनेट से मंजूर करा के एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए हमने आरक्षित कराने का काम किया। भविष्य में कभी भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय लगे, बने यहाँ पर, तो फिर उसके लिए जमीन की कहीं पर कमी ना हो। और इसके साथ साथ आज पीलीभीत जिले में लोगों की गाढ़ी कमाई प्राइवेट अस्पतालों में चली जाती है और उसके लिए
हम जब देखते हैं कि हमारे चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज हैं। अगर हमारे पीलीभीत जिले में गवर्नमेंट का अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए अच्छी सहूलियतें मिलेंगी, इलाज के संसाधन बेहतर होंगे, और जो पैसा लोगों का खर्च हो रहा है गाड़ी कमाई प्राइवेट अस्पताल में, जो लोग लुट रहे हैं मरीज लोग, तो वो लुटाई भी कहीं हद तक बंद हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर वाले ने मौका दिया, पीलीभीत जनता ने अगर आगे बढ़ाने का मौका दिया तो निश्चित तौर पर हम इन पर काम करके मेडिकल कॉलेज के लिए, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए, रोजगार के संसाधनों के लिए काम करने का हम प्रयास करेंगे, जो अब तक इस पीलीभीत में आज तक कोई सोच नहीं पाया, आज तक किसी ने किया नहीं, इस पर हम आतुर बैठी है। चलिए बरमा जी, आपको और आपकी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव की हमारे और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लाइव टीवी न्यूज़ के लिए पीलीभीत से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।